हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सर्विस सेंटर में। और आज की वीडियो है, आज की फिर वीडियो ओवरलॉक की ही है। और वो वीडियो जो है ओवरलॉक की, उसमें लूपर कैसे सेट करना है बहुत ही आसान और इजी तरीके से समझाएंगे आपको। आज वीडियो ओवरलॉक की है, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल राष्ट्रीय सर्विस सेंटर पर नए हैं, वो मेरे चैनल राष्ट्रीय सर्विस सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स दिखाते हैं कि ये हमारी ओवरलॉक है। कई दोस्तों ने हमसे कहा है कि इसमें लूपर जो है हमारे किस तरीके से सेट करें जो आसानी से सेट हो जाए, हमें जल्दी सही से सेट नहीं हो पाते हैं। तो आज ये दोनों नए लूपर, और फिलहाल ओवरलॉक मैंने खोल रखी है, देख सकते हो आप, ओवरलॉक खोल रखी है। इसमें कौन सा लूपर कब और कैसे सेट करना, कहाँ पर किस लूपर की और इस निडल की कैसे सेटिंग रखनी है, कहाँ पर रखनी है, ये आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो है हमें ये छोटा लूपर है हमारा, देखिए ये दो लूपर होते हैं, एक तो ये है हमारा बड़ा लूपर और एक ये छोटा लूपर को हम पहले लगाएंगे और इसी से सेटिंग बनाते हुए हम पूरी मशीन की चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये लूपर लगा रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये लूपर जल्दी इसमें आता नहीं है, तो मैंने देखिए ये पहले घिस रखा है, ऑलरेडी पहले से ही घिस रखा है। तो इसको आप इतना आसानी से घिस लें कि हमारा ये आराम से या थोड़ा हल्का फुल्का टाइट करने पर इसमें सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने इस लूपर को कसेंगे। कसने के बाद हमें इसमें सेटिंग जो है हमें ये देखनी है फ्रेंड, देखिए कि ये हमारे लूपर का जो गैप जो है ये कितना है। सबसे पहले ये देखना है हमें, कम से कम इतना गैप होना, कम से कम 1 से 1.5 फुट गैप जरूर होना चाहिए। इतना गैप हो कि हम जब मशीन जब चलाएं, जब हमारी सुई चले तो टांका जो है हमारा लूपर पर, सुई पर फूल जाए और ये हमारा लूपर उस चीज़ को पकड़ ले। तो देखिए फिलहाल तो ये अभी टकरा रहा है, तो इसको सेट करना है हमें, पहले इसी को सेट करना है कि हल्का सा कस के पहले इस तरीके से इसको टाइट चेक कर लें कि एक तो इसका गैप चेक करना है, ऊपर से इसका सुई पर ये नहीं टकरा है इस चीज़ को चेक करना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी लूपर जो है हमारा, देखिए ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये लूपर जो है हमारा, इसमें इतना ये गैप जो है देखो, ना ही तो ये टकरा है और ना ही इसमें ज़्यादा गैप रहे, हल्का सा गैप चलेगा वो भी बहुत कम, ये टकराना नहीं चाहिए, इसमें आराम से चले, ना ही टकराना चाहिए और ना ही ज़्यादा गैप होना चाहिए। तो फिलहाल हमें छोटे लूपर को अपने इस तरीके से सेट करना है और गैप करना है, और ये गैप ध्यान से देखना है हमें, ये देखिए ये वाला गैप जो है हमारा, ये गैप इतना गैप होना चाहिए, कम से कम 1 फुट का तो मिनिमम गैप रहना चाहिए इसमें सुई में और इसके लूपर में जब ये इधर को आए। तो ये गैप ध्यान से रखें, देखें और इसका ये चीज़ चेक करें कि हमारी ये सुई में लूपर टकरा तो नहीं रहा, हमारी निडल में ये लूपर टकरा तो नहीं रहा है। इतना सेट करने के बाद अपना इसको हम लूपर को अपने टाइट कर लेंगे, कस लेंगे, ठीक। अब इसका हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले ये निडल प्लेट रख करके इस पर ये देख लेना है, ये दांती वाली प्लेट के इस तरीके से कि हमारा लूपर जो है कि इसमें दांत प्लेट में टकरा तो नहीं रहा है, इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है फ्रेंड कि देखिए कहीं ये लूपर टकरा तो नहीं रहा है। तो देखिए ये काफ़ी गैप है इसमें, देख सकते हो ये चीज़, ये लूपर ये यहाँ पर टकराना नहीं चाहिए, ये देखिए दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको ये नहीं रखा, देखिए ये जो है हमारा लूपर इसमें टकराना नहीं चाहिए प्लेट में, टकराएगा तो सेटिंग हमारी नहीं बैठ पाएगी। और जब अगर हमारा निडल प्लेट में ये लूपर टकराता है तो हम उसी हिसाब से इसको नीचे को थोड़ा मोड़ देते हैं, ठीक। और अब इसको यहाँ सेटिंग इसकी रखने के बाद, ये निडल प्लेट में ना टकराए और सुई में नहीं टकराए, इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हमें दूसरे लूपर हम अपना ये कसेंगे, बड़ा वाला, देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा लूपर है, इसको इसमें टाइट कर लेंगे। और लूपर सेट करते समय दांते खोल दें आप, जिससे कि आपको आसानी से इसकी सेटिंग समझ में आती रहे। अब फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ये लूपर कसने के बाद देखना है कि देखिए ये जो है आपस में बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं, ये दोनों लूपर ये आपस में ये बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं। तो इसको हम हल्का सा इस तरीके से अंदर दबा देंगे और पहले इसको सही से हम टाइट कर लेंगे लूपर को अपने, इसको डायरेक्टली फुल टाइट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी इसमें गैप आ गया है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी ये लूपर की निडल जो है हमारी,
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है काफी ये करीना लोगों, ये चीज जो है हमारी, ये निडल जो है इसकी, इसके लूपर के सुराख से नीचे को आ रही है, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है हमें, ये निडल का, ये गज का पेंच खोलेंगे और इसको हल्का सा हम इस तरीके से ऊपर को उठा लेंगे। देखिए मैंने ये ऊपर उठा दिया है फ्रेंड्स, और ये उठाने के बाद अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले इसके बाद हमें ये अपना ये पैर इसमें कसना है। ये चेक करना है कि हमारा ये देखिए लूपर में बहुत ही टच होकर चल रहा है, अगर हम किसी गांठ पे लूपर जो हमारा टच होकर, तो फ्रेंड्स ये जो लूपर जो है हमारा ये टच होकर चल रहा है, इसके लिए क्या करना है हमें, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें अब देखना है हमारा ये लूपर जो, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको इसको जो यहाँ से जो है मैं इसको मोड़ देता हूँ इस तरीके से, इसको हम हल्का सा उठा लेंगे ऊपर और देखेंगे कि अगर हम किसी गांठ पे अगर हम पार करते हैं बूट को तो हमारा ये लूपर आराम से चल जाए। तो देखिए मैंने अभी जो लूपर जो उठाया, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी गैप हो गया, देख सकते हो आप, ये इस तरीके से यहाँ अब टच होकर नहीं चलेगा। अब इसको जो है हमने यहाँ जब सेट किया है इसको, ये ऊपर जो उठाया है, तो अब हमारी यहाँ इस लूपर की सेटिंग हमें इसमें बनानी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ, बूट को बाहर निकाल देता हूँ और फिर आपको इसकी बाकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अब ये जो है हमारी, इसको हमें क्या करना है, बूट को हमारा इस तरीके से, ये देखिए ये बूट जो है हमारा, अब जब हमने ये सेटिंग जो की है तो इसकी, इसको देखें कि ये लूपर जो है हमारा यहाँ से इस खांचे पर इसके बराबर से चल रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये जो है यहाँ मेरा पेचकस दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये अभी इसमें इतना और गैप है कि हम इसमें बूट को और लूपर को अपना और ऊपर उठा सकते हैं, ताकि ये छोटा वाला लूपर का ये खांचा जो है ये वाला इसके बराबर से चले। और दूसरी चीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुई जो है हमारी ये नीचे की साइड है, तो देखिए इसको हमें जहर की बात है थोड़ा ऊपर उठाना है गज को, और इसको ऊपर उठा के फिर हम अपनी साइकिल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जो है इसको खोल दिया है, और इसको अब जो है हमें ये देखना है, तो देखिए ये जो है हमारा इसमें गैप भी है और ये अब बिल्कुल बेहतर चल रहा है। और अब इसको हमें वो जो सेटिंग जो है ताकि सारी कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको सब कुछ क्लियर करके देखेंगे, बस इसका ये ध्यान रहे कि हमारा ये सुई जो है इसके उस बराबर से चले और बाकी क्लियर रहे। और एक चीज़ और मेन चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम इसका ये पेज खोलते हैं तो इस तरीके से ना खोलें, ताकि अगर कभी भी हमारा पेंच का फिसल जाए तो सीधे हाथ में घुसेगा। तो लिहाजा ध्यान रखें कि ज़्यादातर मैं खुद भी गलती कर जाता हूँ इस तरीके से, यहाँ होकर यहाँ जब ऊपर की साइड में स्टार्ट होता है तब पेंच खोलता हूँ। तो ध्यान रहे कि इसको नीचे रखें और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लें, थोड़ा सा दूर से देखें, तब इसको पेंच को खोल कर कसें, इसको इस तरीके से टाइट करें। और बाकी सेटिंग आइए अब आगे प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ। हमें ये लूपर खोल लेना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये लूपर जो है हम बाहर निकाल चुके हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या करें, देखिए ये वाली चीज़ जो है, ये वाला हिस्सा हमें रेत लेना, देखिए ये काफ़ी टेपर में है, देख सकते हो आप, ये काफ़ी टेपर में है, इसको हमें थोड़ा सा रेत लेना है इस तरीके से, यहीं से रेतना है फ्रेंड्स इस तरीके से। इसे घिसने के बाद हम इस तरीके से इस पर रेगमाल लगा लेंगे, रेगमाल ध्यान से लगाएं फ्रेंड्स ताकि इस पर धार ना रहे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने लूपर घिस दिया और रेगमाल भी लगा लिया है, और अब इसमें अपने इस लूपर को हम कस लेंगे। अब कसने के बाद इसको देखते हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा गैप, अब इसको हमें दोबारा से इसको सेट करना है इसको फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आप इसको एक बार इस तरीके से ज़रूर चेक करें कि इसे तर दबा के कहीं हमारा ये टकरा तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने लूपर भी बहुत बढ़िया तरीके से कस लिया, और हमारा लूपर इसमें इस तरीके से दबाने से टकरा भी नहीं रहा है। और अब देखिए यहाँ पर कितना गैप आ गया, आप देख सकते हो, ये देखिए उस टाइम ये
काफ़ी टकरा के चल रही थी, अब मैं इसको काफ़ी दबा दूंगा तब भी ये नहीं टकराएगी। और इस तरीके से हल्का सा हम इसमें गैप दे देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गैप दे देंगे ताकि हमारा ये जो है, अब यहाँ से देखिए हमारी सुई जो है टकरा के बिल्कुल नहीं चल रही है। कितना भी मोटा कपड़ा आ जाए, कैसा भी आ जाए, या कितना भी मोटा धागा चलाएं, कितना भी टाइट चलाएं, ये सुई इस लूपर पर नहीं टकराएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये जब हमारी सुई वापसी आती है तो हल्की सी ये टच हो तो भी चलती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये वापसी में जब आएगी टकराएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही ये लूपर वापसी में आगा, अगर इस सुई पर यहाँ पर टकरा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से टांका पकड़ते समय जब वापस ये जाएगा तब टकराए, तब सुई तोड़ सकती है। और इस तरीके से ये भी देखिए, ये इस तरीके से कितना भी टकराए, और इसी तरीके से आपको सेटिंग रखनी है इसकी। और अब जो है, अब हमने लूपरों को तो अपने सेट कर लिया ताकि ये आपस में ना टकराएं, ठीक। अब हमें इसका देखना है कि हमें इसका ये टांका कैसे, स्पेस कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे देखना है कि जो हमने लूपर जो नीचे किया था अपना, तो देखिए ये चीज़ जो है, अब हमने गैप दिया है तो हल्का सा हम इसको गज को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, क्यों हमारे इसमें गैप आ गया है, तो इसको हल्का सा गज को नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्का सा नीचे करने के बाद अब ये यहाँ पर आते हैं हम इसको सेटिंग को, इसको यहाँ से देखते हैं, इसको लूपर को देखिए ध्यान से देखें। यहाँ से जब हमने इसको ये गैप को चलाया, जब ये आया तो ये हमारा जो है ये गैप, ये जो है ये निडल का सुराग जो है और हमारे लूपर का सुराग आमने सामने रहे, जब से ये टांका लेके चले तो ये जब हम इसमें धागा सुई में डालें तो हमारे लूपर के सुराग से निकल जाए। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेटिंग रखनी है। अब इसको कैसे सेटिंग बनानी है, आपके लट्टू की चाल कम है या ज़्यादा है, उस तरीके से आपको रखनी है कि इसको ये जो है, देखिए ये इस तरीके से आप लूपर को पकड़ लें तो ये देखें, ये हल्के से ये सुई पहले चलना चाहिए इतनी जगह जितनी मैं इसको चला रहा हूँ। आप देख सकते हो ये लूपर नहीं हिल रहा है और ये सुई पहले चल रही है, सुई इतनी पहले चलना चाहिए और लूपर ठीक, देखिए इधर से भी दिखाता हूँ आपको, देखिए ठीक इसके सुई के सुराख से ऊपर चलना चाहिए, सुई के सुराख से ठीक ऊपर सुई होना चाहिए। और इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ से सुई का सुराख और लूपर का सुराख आपस में आमने सामने रहना चाहिए। जब आमने सामने आया, जैसे हमने सुई के सुराख में धागा डाला तो हमारे लूपर के सुराख से पार आ जाना चाहिए। इसकी सेटिंग हम यहाँ बना देते हैं, रोक देते हैं। अब यहाँ यही सेम प्रोसेस ये होता है, यहाँ होता है, देखिए इसी तरीके से आप यहाँ जब इसकी सेटिंग बनाएंगे तो सेम अपने आप ही ये सेटिंग आ जाएगी कि सुई के, यहाँ हम बड़े लूपर के सुराख से जब धागा डालेंगे तो इसके सुई के सुराख से पार हो जाएगा धागा। इस तरीके से अगर आप सेटिंग रखते हैं मशीन में तो आपको कोई भी कहीं कैसी भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंशाल्लाह कैसे भी चलाते हैं आप मशीन को, मशीन कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब बारी रहती है फ्रेंड्स, देखिए पिछली मशीन में आपको धागों की सेटिंग तो मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ अगर आपके धागे गड़बड़ होंगे तब भी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। अगर ये धागे ज़्यादा लूज टाइट रख देंगे आप मशीन के, तो इसके धागे मशीन सिलाई छोड़ने लगेगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मशीन अगर हमारी सिलाई छोड़ रही है तो ये लूपरों की या सुई की कमी है, ये हमारी मशीन की सेटिंग की कमी है, हो सकता है हमारे धागे गड़बड़ हों, धागों में लूज टाइट हो, कोई धागे में दिक्कत हो, इस चक्कर से ये हमारी मशीन सिलाई छोड़ती हो। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बाकी फ्रेंड्स, फिर वही बात के जो भी दोस्त मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर पर नए हैं, वो मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देखिए फिर आपको सुई के सुराग जो है यहाँ कहाँ पे सेटिंग रखनी है, इस निडल की कितनी हाइट रखनी है, कितनी कम रख, कितनी ऊंचाई रखनी है, और फिर इसको सेटिंग सेट करने के इसी तरीके से अगर आप मशीन सेट करेंगे, आप किसी भी कपड़े पर, किसी भी धागे पर कैसे ही भी चला दें, इस मशीन को इंशाल्लाह ये मुंह नहीं मोड़ेगी। और इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर भाई के एक बार और वही कहना चाहूँगा बात के, अगर आपके धागे मशीन के लूज टाइट हैं, गड़बड़ हैं, धागे सेट नहीं है, ये धागे आपने कहीं भी किसी भी स्टेप से गुजार कर नहीं डाला है, तो मशीन दिक्कत करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारी मशीन में ही कमी हो, दिक्कत हो, मशीन की सेटिंग में कमी हो, लूपर ख़राब हो या सेटिंग ख़राब हो या कोई और प्रॉब्लम हो, नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे धागे गड़बड़ हैं, किसी स्टेप में धागा नहीं पड़ा है, अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप धागे जरूर चेक करें, हल्के हल्के लूज या टाइट करके देखा करें, जिससे कि हमारी मशीन हो सकता है कि धागों से ही ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको मशीन की सेटिंग बनानी है। और बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करें, बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो हमारे आजम भाई हैं,
हमारे पड़ोसी हैं, मास्टर हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और ये लगभग मुझसे 15 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे ही पास मशीन रिपेयर कराते हैं। और अब इनकी कितने साल हो गई मशीन? 13 साल बाद दोबारा ये मशीन बंदने आई है इनके मेरे पास। आपसे लगभग 13 साल पहले इनकी मशीन बंदी थी और वो मशीन जो है इनकी सिंगर मशीन है, बहुत पुरानी मशीन है अम्ब्रेला। और उसकी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो में मशीन दिखाता हूँ कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड, मशीन तो फिलहाल मैं खोल चुका हूँ, अभी खुल भी रही है और बाकी भी खुलेगी मशीन। और इस मशीन में आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, किसी भी एक्स वाई जेड टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताएं, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी एक आध दो दिन मेरे पास है। देखिए और काफी दोस्तों ने कमेंट की थी कि इस चौकोर मॉडल मशीन में हमारी कुंडी ये किस तरीके से निकालते हैं, ये पिन जो है किस तरीके से निकालते हैं, इसकी कुंडी की पिन जो है ये बताएं। तो ये भी अभी इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ, कुछ वक्त के बाद ये भी एक आध दो दिन के बाद ये भी वीडियो अपलोड कर देंगे कि इसकी पिन हमें कैसे निकालनी है। और अगर इस मशीन में आपको अम्ब्रेला मशीन में ये पुरानी बहुत पुरानी सिंगर मशीन है, देखिए ये सिंगर ओरिजिनल सिंगर मशीन है। और एक भाई ने हमें कमेंट भी किया है सिंगर सीमान को की मशीन की हमें वीडियो, तो उन भाई से एक बार रिक्वेस्ट है कि उसमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है वो जरूर बताएं, और इस मशीन में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो बता दें। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।